हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एलएलबी 6 सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लॉ ऑफ वुमन राइट्स के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में आया था। इसके अंदर 4 पेजेस हैं। पेपर कोड के 6003 है, टाइम 3 आवर है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 सेक्शन है, हर एक सेक्शन को उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सेक्शन ए, खंडा, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी प्रश्न। इस सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट टू इक्वालिटी, समानता के मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ब्रीफली अबाउट फेयर ट्रायल एज ए ह्यूमन राइट, निष्पक्ष विचारण मानवाधिकार के रूप में पर संक्षेप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कॉन्स्टिट्यूट, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी 4 सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, किन्हीं 4 दीवानी और राजनीतिक अधिकारों का नाम लिखिए। सेक्शन बी, खंड बा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरी प्रश्न। सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्कस मानव अधिकार की प्रगति और महत्व क्या है, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द रोल ऑफ UNO इन प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की विवेचना करिए। सेक्शन सी, खंड सा, डिटेल आंसर क्वेश्चन, विस्तृत उत्तरी प्रश्न। सेक्शन सी के अंदर 5 क्वेश्चन हैं, आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द इंटरनेशनल मैकेनिज्म प्रोवाइडेड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकार के प्रवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज प्लेड ए पिवोटल रोल इन अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट इन इंडिया, डिस्कस इन डिटेल विद केस लॉज। भारत में जनहित याचिका ने मानव अधिकार के समर्थन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वाद निर्णय सहित विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, Do these rights reflected in the Indian Constitution explain, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय अभिमोचन के मुख्य तत्वों की विवेचना करें। क्या ये अधिकार भारतीय संविधान में दर्शित होते हैं, स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द वेरियस राइट एनश्राइंड इन अमेरिकन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1969, अमेरिकन मानवाधिकार अभिसमय 1969 में वर्णित विभिन्न अधिकारों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एड्रेस टू द इंडिविजुअल डज कंटेन इनएलिएबल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, एक्सप्लेन, मानवाधिकार की सार्वभौमिक, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो व्यक्ति को संबोधित करती है, व्यक्ति के अस्थानीय अधिकारों को सम्मिलित करती है, व्याख्या कीजिए। क्या ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 4 पेजेस थे।